हैदराबाद के चुनावी मैदान में तीर और बीफ पर जंग जारी है। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने मस्जिद की तरफ पहले इशारा करके सांकेतिक तीर साधा तो वैसी ने इसे मजहब और वोट से जोड़ दिया। हालांकि माधवी लता कह रही हैं कि ये गलत तथ्य पेश किया जा रहा है, हमने ऐसा नहीं किया। ओवैसी फिर चुनावी दौरे पर निकल गए हैं, एक मांस दुकान रास्ते में पड़ी। अब आपको दिखाते हैं कि क्या कहा उन्होंने और आगे बढ़ गए। वो CAA और NRC को लेकर हर मुद्दे को हवा दे रहे हैं ताकि पूरी जंग को धर्म के इर्द गिर्द लाया जा सके। तो बीप शॉप जिंदाबाद और काटते रहो कहते हुए आगे बढ़ गए। देखिए तीर में इशारा किसकी तरफ, विवाद इसको लेकर हो रहा है। अब आपको सुनवाते हैं कि ओवैसी और माधवी लता ने इस पर क्या कुछ कहा है। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे? इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फहमियां ये लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। ये लोग से नहीं हो रहा, हिंदू मुस्लिम ये एकता में जो हम लेके आ रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इससे सब पर पट रहा इनका ऐसा। और अभी मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे आप। सबका साथ सबका विकास शुरू हो गया है और देश आगे जाने वाला है।